हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरपी रिचवेल। जो नए ऑडियंस है उन्हें बता दूं कि मेरे इस चैनल पे आपको मिलेंगे क्वालिटी रिव्यूज रिलेटेड रेगुलर स्लीपर चप्पल्स एंड सैंडल्स। अगर आपको स्पार्क्स के सबसे टॉप सेलिंग आर्टिकल के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसे जाके जरूर देखना। उसका आर्टिकल नंबर है SFU 204। आज मैं बात करूंगा अड्डा ब्रांड के बारे में। ये ब्रांड थाईलैंड से आता है, ये ब्रांड जो है ये थाईलैंड से आता है, लेकिन अपने इंडिया में बहुत तहलका मचाया हुआ है इन्होंने इनके प्रीमियम क्लास स्लीपर्स से। तो आइए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस ब्रांड की जो बॉक्स की जो फिनिशिंग है, बॉक्स की जो क्वालिटी है वो काफी लाजवाब क्वालिटी है। आप देखें यहाँ पे बॉक्स की जो थिकनेस भी काफी प्रीमियम है। ये देखिए इसका सबसे पहले अनबॉक्स करते तो हमें यहाँ पे मिलता है बटर पेपर, और बटर पेपर भी देखेंगे भाई तो ये काफी लंबी चौड़ी बटर पेपर आती है, लगभग आधा मीटर के आसपास की बटर पेपर है। जबकि इतने बड़े लंबे चौड़े बटर पेपर की तो जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से भी, हाँ लेकिन क्वालिटी बटर पेपर की काफी अच्छी है। अब हम निकालेंगे इसके स्लीपर्स, तो यहां से मैं चालू होता है स्लीपर्स निकालना। ये देखिए स्लीपर निकालते ही ऐसा लगता है कि भाई ये स्लीपर तो यार मतलब मारे डालेगी। ये देखिए हम निकालते हैं इसके ये सपोर्टर्स। ये देखिए ये है कंप्लीट लुक इस स्लीपर का। टैग्स एक नहीं दो दो मिलेंगे आपको यहां पे, क्योंकि पैसे भी उतने ले रहे हैं कंपनी। अड्डा यूनिक्लोब, लेट्स वॉक टुगेदर। ये आर्टिकल बेसिकली आपको 4 से 5 कलर वेरिएंट्स में आपको मिलेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा मैं किस किस कलर में ये आर्टिकल मिलेंगे आपको। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा सबसे फेवरेट कलर है ये ग्रे ब्लैक, और इसमें एक फुल नेवी करके भी कलर आता है जो मैं आपको स्क्रीन पे जरूर दिखाऊंगा, वो भी मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट कलर है। तो ये दो कलर काफी शॉर्ट सुपर सक्सेस बिकते हैं मार्केट में। यदि आप अर्बन एरिया की बात करें तो ये आर्टिकल इजिली 6 मंथ टू 1 ईयर तक आराम से चल जाती है, लेकिन अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो ये स्लीपर अगर आपकी 6 महीने भी चल गई तो भैया आप समझना कि आपके पैसे वसूल है। आर्टिकल की जो सोल है वो रबड़ाइज मटेरियल की है, और आप देख सकते हैं कि 3 लेयर सोल की स्लीपर है। यहाँ पे बीच की जो शीट आप देख रहे हैं ये व्हाइट टेपर शीट कहते हैं इसे। व्हाइट टेपर शीट की हार्डनेस काफी प्रीमियम होती है, तो इससे क्या होता है जो बॉटम शीट जो होती है वो ज्यादा दबती नहीं है, ये जो टेपर शीट जो होती है वो उसे रिस्ट्रिक्ट कर देती है, जिससे क्या होता है कि ओवर द यूज भी ये स्लीपर जो है वो कम दब के लास्टिंग साबित होती है। इस स्लीपर की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो ये अपर डिजाइन है, ये जो अपर डिजाइन है ये आपको काफी सारे मटेरियल में मिल जाएगी, जैसे कि पीयू सोल के स्लीपर्स पे भी ये डिजाइन बनाते हैं कंपनीज, और काफी शॉर्ट सक्सेस आर्टिकल माना जाता है उसे। अब इसका आप अपर देखिए, ये अपर आप देख सकते हैं ये फोम का अपर है जिसे एकदम स्लाइटली एम्बोजिंग की हुई है डिजाइन के लिए, और नीचे जो आप देखेंगे ये बहुत ही पतली रेजिन लगाई जाती है इसमें ताकि आपको चलते वक्त पैर में लगे ही नहीं, और स्टिचिंग भी काफी प्रीमियम है इस स्लीपर्स की। प्लस आप देखेंगे कि यहाँ पे एडजस्टेबल भी दिया हुआ है ताकि अगर किसी को अगर कोई 8 नंबर वाला आए और उसे 8 नंबर नहीं हो, अगर उसका पैर अपर साइड से थोड़ा सा बड़ा हो तो उसको भी आप यहाँ पे एडजस्ट करके डेफिनेटली उसे एडजस्ट हो जाती है ये। और स्टाइलिंग लुक एंड डिजाइन मैं इस स्लीपर को दूंगा 8 मार्क्स 10 में से। अब इसकी मैं प्राइस के बारे में बात करूंगा, ये प्राइस रेगुलर सेगमेंट में थोड़ी सी प्रीमियम है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि 10 नंबर का पैर है। MRP देखिए 565, मेड इन थाईलैंड। अब भाई थाईलैंड से आ रहा है तो थोड़ी तो MRP इसकी ज्यादा होगी ही, ऑब्वियस सी बात है। अब ये स्लीपर की अगर मैं बात करूं तो आपको पहन के डेफिनेटली काफी क्लासी फील तो होना ही है, लेकिन जो पब्लिक जो प्राइस सेंसिटिव पब्लिक है मैं कह सकता हूँ उसके लिए ये स्लीपर से अच्छे मार्केट में और भी काफी बेटर ऑप्शंस है। बट फॉर पीपल जो क्लासी दिखना चाहते हैं उसके लिए ये डेफिनेटली बाय ऑप्शन है। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो एंड एडेड वैल्यू टू यू। इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको स्पार्क्स के आर्टिकल के बारे में कुछ जानकारी दी थी, तो होप आपको वो जानकारी भी अच्छी लगी हो। एंड आप में से जिन्होंने भी वो आर्टिकल खरीदा हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मेरा वीडियो से आपकी कुछ मदद मिली हो या नहीं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे मेरे इस चैनल पे उतनी ही ज्यादा मेरी करेज बढ़ेगी टू मेक न्यू वीडियोस। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।